राजस्थान के भीलवाड़ा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के नहीं होने पर घायल को चपरासी ने इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद घायल की हालत गंभीर हो गई और उसे जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही से हर कोई हैरान है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे डॉक्टर की जगह चपरासी घायल को इंजेक्शन लगा रहा है। वही मामला संज्ञान में आने के बाद जब पूछताछ की गई तो सामने आया कि अस्पताल में ना डॉक्टर मौजूद था और ना ही कोई दूसरा स्टाफ। दरअसल घायल युवक की बाइक को एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में ना डॉक्टर मिला ना ही नर्सिंग स्टाफ, जिसकी वजह से अस्पताल के चपरासी शंकरलाल शर्मा ने ही घायल को इंजेक्शन लगा दिया। वही गलत तरीके से किए गए इलाज के कारण युवक की हालत गंभीर होने के बाद उसे जिला अस्पताल ले जाने को कहा गया। बता दें कि अस्पताल में डॉक्टर वैभव पंवार की ड्यूटी थी, लेकिन कोटरी अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने की वजह से उनकी ड्यूटी वहां लगा दी गई। डॉक्टर की गैर हाजिरी का फायदा नर्सिंग स्टाफ ने उठाया और गायब हो गए। ऐसे में मरीजों और दुर्घटना में घायल लोगों को देखने वाला कोई नहीं रहा। वहीं मामले में कोटरी अस्पताल की चीफ ने बताया कि डॉक्टर वैभव की ड्यूटी मंगलवार को कोटरी लगा रखी थी, लेकिन वहां नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी कर रहा था। अगर नर्सिंग स्टाफ गायब था और घायल को चपरासी ने इंजेक्शन लगाया तो ये गलत है। इस मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और कार्रवाई भी होगी।